हमीरपुर जिला के टौणी देवी तहसील के पटनान गांव के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त हमीरपुर से मिलकर बाकर खड्ड में अवैध खनन को लेकर शिकायत पत्र सौंपा और स्टोन क्रेशर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उपायुक्त को सौंपे शिकायत पत्र में खनन के कारण पटनान सड़क की दयनीय हालत व उठाऊ पेयजल योजना की पाइपों को खतरे के बारे में भी अवगत करवाया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया गया तो ग्रामीण आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। किस संदर्भ में आप उपायुक्त से मिलने आए? आज हम सभी पटनान ग्राम पंचायत के गांववासी डीसी महोदय से मिलने आए, उनको एक ज्ञापन दिया है जिससे उन्होंने हमने ज्ञापन जो बाकर खड़ में अवैध खनन के ऊपर दिया है, जिससे हमारी एक कम से कम 70 करोड़ की पेयजल योजना जो उसमें टूटने के कगार पे है, और दूसरा हमने अपने रोड का दे रखा है कि रोड जो है वो खस्ता हालत में है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। तीसरा है कि हमारी निजी ज़मीनों से जो है वो खनन हो रहा है, तो इसके ऊपर हमने जो है डीसी मोदी जी को आज ज्ञापन दिया। खनन हो रहा है जब वहाँ पे हमने कई बार उठाया, इससे पहले भी एक बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। इससे उसके भी हमारे पास ये है कि डीसी मोदी को पहले भी दिया हुआ है ज्ञापन, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगला कदम क्या रहेगा? अगर प्रशासन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो समस्त ग्रामवासी और पटनान के वो जन आंदोलन के लिए तैयार हैं। चक्का जाम किया जाएगा। कब तक होगा चक्का जाम? ये डीसी मोदी जी अब हमने टाइम दिया है इनको, अगर 10-15 दिनों के भीतर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम चक्का जाम करेंगे।